उत्तर प्रदेश के महोबा में बीमार बेटे को खून की व्यवस्था कराने के लिए मां को जेवर बेचकर जिला अस्पताल में रिश्वत देनी पड़ी। उस पर भी उसके पुत्र को खून नहीं मिल पाया। बुजुर्ग महिला के साथ अस्पताल में तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी ने खून दिलाने के नाम पर 5,000 रुपये ठग लिए और खून चढ़ाने के नाम पर ग्लूकोज की बोतल में लाल रंग का इंजेक्शन मिलाकर चढ़ा दिया। पीड़िता का पुत्र अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है और उसे खून की ज़रूरत है। यूपी में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन तैनात कर्मचारी सिर्फ पैसा ऐंठने में लगे रहते हैं। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का रूप माना जाता है, वो खुलेआम रिश्वत लेने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला महोबा जिला अस्पताल में उस समय देखने को मिला जब एक बुजुर्ग माँ अपने तड़पते हुए बेटे के लिए खून का इंतजाम करने के लिए गुहार लगा रही थी और उसके साथ ही एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने खून दिलाने के नाम पर 5,000 की ठगी कर डाली। दरअसल आपको बता दें कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के भंडरा गांव का रहने वाली राजकुमारी अपने बड़े पुत्र जुगल के बीमार होने पर उसे इलाज के लिए बीती सोमवार महोबा जिला अस्पताल लेकर पहुंची। उसके बीमार पुत्र को देखते हुए तैनात डॉक्टर ने तत्काल शरीर में खून की कमी बताते हुए खून चढ़ाए जाने के लिए कहा, लेकिन जिला अस्पताल में खून की व्यवस्था नहीं हुई। ऐसे में पीड़ित परेशान हो गई। आरोप है कि जिला अस्पताल में तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी राजकुमारी ने इसका फायदा उठाते हुए महिला से 5,000 खून दिलाने के एवज में ले लिए और भरोसा दिलाया कि उसके पुत्र को खून चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बुजुर्ग महिला को क्या पता था कि महिला स्वास्थ्यकर्मी उसके साथ धोखा कर रही है और उसके पुत्र को आज ग्लूकोज में लाल रंग का इंजेक्शन मिलाकर चढ़ा दिया जाएगा। अनपढ़ महिला के साथ महिला स्वास्थ्यकर्मी ने 5,000 की ठगी कर डाली। यही नहीं, महिला बताती है कि जिला अस्पताल में पुत्र को भर्ती करने के एवज में उससे 200 रुपए लिए गए और रोजाना इंजेक्शन लगाने के नाम पर भी 100-100 रुपए अस्पताल में वसूले गए। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की है, लेकिन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने वाले मरीजों के साथ दोहन कर रहे हैं, जिसकी प्रताड़ना बुंदेलखंड के महोबा जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग मां के साथ घटित हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी आरोपी स्वास्थ्य कर्मी पर क्या कार्यवाही करते हैं। अब ये बीमार हते तो भर्ती करवा रहे थे हमने, हैं एक पंडित आए थे तो उनने भर्ती करवाया था राजू महाराज, हैं तो हमने अपने कान के बेचे इतना भाई जबी भोलू सुबह अपने भड़रा चले गए गाँव के यहाँ इतना रहते हैं हवेली दरवाजे, हैं तो कान के बिकवाए हमने दो अंगूठियों कान के, जब पैसा आए हम आए। किस लिए बेचे को? क्यों बेचना? खून के लाने कि खून चढ़ेगा हमारे लड़का ठीक हो जाएगा। हैं किसने चढ़ाया खून? कोई नहीं चढ़ाया, वे कहते नहीं राजकुमारी मैडम कि पैसा जमा कर दो सो हम खून चढ़वा देंगे मिलेगा जैसे, और उन्हें खून नहीं मिला है, हमको झटका मारते रहे दो दिन से, हैं तो फिर वो आके इंजेक्शन लगा दे और ये बोतल में पानी भर के वो चढ़ा गई जल्दी जल्दी, फिर हमें बुला ले गई कमरे में, कहती तुम हल्ला ना करियो को से। कितने पैसा लगे? 5,000 पूरे। आपने किसी से कहा नहीं? हमने ये से नहीं कहा कि चलो खून चढ़ेगा, जब खून ना चढ़ाए जब बोलेंगे हम। क्या उनने चढ़ाया आप? कुछ नहीं, ये पानी चढ़ा दिया ये दो ठो इंजेक्शन डाल के, हम तो 200 रुपया दे देते थे। फिर उसके बाद कितने पैसे लिए गए बाद में? 5,000 जमा करे हमने खून पिलाने। और रोजाना कितने पैसे लगते? रोज लगते रहे, कहते रहे 200 रुपया आज दे दो पहले दिन, और फिर कहते 100-100 रुपया देते जाना और इंजेक्शन डाल रख जाए हम। कितने दिन से भर्ती हैं ये? हम सोमवार से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।